नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। मैं हूं आपकी एक्टिविटी टीचर दीक्षा मैम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। नया साल है तो क्यों ना मैंने सोचा एक नया पिटारा लेकर आऊं। तो आज मैं आप सबके लिए अपनी कहानियों का पिटारा लेकर आई हूं। ये है मेरी कहानियों का पिटारा। तो आज इसको हम खोलेंगे और देखेंगे कौन सी कहानी निकलती है। ये है इसका खोलने का द्वार। अब मैं इसको खोलूंगी और देखूंगी कि कौन सी कहानी इसमें से निकलती है। ये आप देखते हैं ये कौन सी कहानी है। ये तो गुलाबी रंग का कागज बहुत सुंदर लग रहा है ना। और ये कहानी आई है, ओ बड़ों का सम्मान। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी बड़ों के सम्मान पे, ठीक है? तो शुरू करें। ओके, सब ध्यान से सुनना। रवि था एक मेहनती लड़का, था शांत और बहुत सरल। शहर में था रहता वो, पापा मम्मी और दादा दादी के संग। दादा दादी के संग पापा मम्मी को आती रहती बहुत शर्म। पापा से फिर मम्मी बोली, क्यों ना गांव में छोड़ आए दादा दादी को हम, क्यों ना दादा दादी को गांव छोड़ आए हम। पापा फिर गए दादा दादी को छोड़ने गांव। पापा गए दादा दादी के संग छोड़ने उनको गांव के घर। फिर रवि स्कूल से आया, पूरा घर उसने खाली पाया। दौड़ता हुआ गया मम्मी के पास। दादा दादी कहाँ है दादा दादी आज। मम्मी फिर जोर से बोली, पड़ेगी तुमको अब डांट। चले गए हैं गांव दादा दादी आएंगे कुछ दिनों बाद। रवि पढ़ता रहा और महीने गुजरते रहे। आ गया परीक्षाओं का महीना मार्च। रवि मम्मी पापा से बोला, क्या दोगे मुझे अगर मैं आऊं अव्वल इस बार। वो हैरान होकर बोले, जो तुम मांगो वही मिलेगा। बस आना अव्वल इस बार। रवि ने बहुत मेहनत की। परीक्षाओं का परिणाम आया और रवि ने अपना वादा निभाया। आया था वो अव्वल इस बार और मम्मी पापा थे बहुत खुशहाल। मम्मी फिर अब रवि से बोली, मांगो तो अब अपना इनाम। रवि बोला, जो मैं मांगू वो मिलेगा। तो दादा दादी को ले आओ इस बार। मम्मी बोली, क्यों बेटा उनके बिना है हम बहुत खुश। उनके साथ हमें शर्म है आती ना कहीं हम घूमने जाते। रवि बोला, ठीक है मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊं तुम भी गांव चले जाना, तुम्हारे साथ मैं कहीं घूमने भी ना जाऊं। मम्मी पापा बहुत हैरान। फिर बोले, मुझे भी तो अगर शर्म आएगी तो हम भी क्या करेंगे। सुनकर ये रहोगे हैरान, एहसास हुआ पल भर में उनको। झटपट से लेने दादा दादी को पहुंचे गांव में। दादा दादी आ गए रवि के पास, सभी खुशी से रहने लगे। खत्म हुई कहानी यहाँ पे। तो बच्चों बजाओ ताली जोर से। यस, तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? यस, क्या शिक्षा मिली? बड़ों का करोगे दोस्त सम्मान तो ही कहलाओगे तुम महान। ठीक है, धन्यवाद।